सीना तान कर चलने का अवसर मिले, इससे वो प्रसन्न है। मैं जितने आम नागरिकों के बयान सुनता हूँ, उनका सिर्फ यही कहना है कि उन्होंने अतीत से बहुत कुछ सीखा है, और जिन्होंने आवाम को लंबे समय तक गुमराह किया था, उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, उन्हें लोग पहचानने लगे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जीवन में उज्ज्वल भविष्य की चिंगारी पैदा हुई है। लंबे समय तक आम नागरिक किनारों पर खड़े होने के लिए मजबूत थे, लेकिन आज तरक्की की मुख्य धारा में तैरने का काम उन्होंने प्रारंभ किया है, और मुझे लगता है कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की भूमिका और उनका वो निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय, मैं समझता हूँ कि वो बड़ी संतोष की बात है। मैं समझता हूँ समाज के सभी अंगों को, शासन से जुड़े सभी लोगों को बस इसी भावना के साथ काम करना चाहिए, और टीम इंडिया में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग जिम्मेदारी निभा रहे अनेक संस्थान हैं, सभी संस्थानों को इस अमृतकाल की यात्रा में फूलों के कुछ बीज बिखेरने की जरूरत है। वी हम की भावना से वो बीज बिना भेदभाव के समाज में बांट सके, हम सबका यही लक्ष्य होना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे इस सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसे आप CSR कहते हैं, प्रोजेक्ट को रणबांकुरों की सेवा में समर्पित करने का अवसर मिला। मैं सेना के सभी जवानों अधिकारियों को आदरपूर्वक नमन करता हूँ, और आशीष चौहान जी को फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जय हिंद।